रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रिक्वायरमेंट्स, अ गुड मेजर ऑफ एवरेज मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजिडली डिफाइंड, एन एवरेज शुड बी क्लियर एंड रिजिड सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन एंड देर इज वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन. इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, क्लियर एंड रिजिड. देर शुड नॉट बी एनी चांस फॉर अप्लाइंग डिस्क्रिशन. ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं, रिजिड होना चाहिए, फिक्स्ड. Preferably, it should be defined by an algebraic formula so that the average computed from a set of data by anybody remains the same. Kare ek formula hona chahiye. Ek to hota hai observation ki aapki observation kya hai, aapki interpretation kya hai. Interpretation mein kya rigidity ho sakti hai? Bolo. Yes, sir. इंटरप्रिटेशन हर एक इंसान की अलग अलग हो सकती है. तो रिजिडिटी मतलब फिक्स्ड, सेम होगा सबके लिए. इंटरप्रिटेशन, आज मौसम कैसा है, जो आपके इंटरप्रिटेशन है अनंत, क्या श्रुत की सेम होगी? नो सर. हर एक इंसान की अलग हो सकती है. तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया इंटरप्रिटेशन, तो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया, उसमें रिजिडिटी हो ही नहीं सकती. लेकिन अगर मैं कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करूं कि अच्छा इसको ऐसे पुट करेंगे ये वैल्यू आएगी, तो मैं कैलकुलेट करूं या आप कैलकुलेट करो या श्रुत कैलकुलेट करे, अलग अलग आएंगे या सेम ही आएगी? सेम आएगी सोच. अगर कोई फॉर्मूला होगा उस चीज की कैलकुलेशन का, तो कह रहे वही कह रहे, रिजिडिटी कैसे आएगी किसी चीज में? प्रेफरेबली इट शुड बी डिफाइंड बाय एन एल्जेब्रिक फॉर्मूला so that the average computed from a set of data by anybody remains the same. It is based on all the observations. Average should be calculated by taking into consideration each and every item of the series. If it is not based on all the items, it cannot be said to be a representative of the whole group. Each and every value should be taken into consideration. It should be least affected by fluctuations of sampling. An average should possess sampling stability. कैसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने sample size बढ़ाया तो average ही change हो गई, sample size कम करा तो average ही change हो गई, कह रहे फिर तो problem है, फिर तो results आपके accurate नहीं है. If we take two or more independent random samples of the same size from a given population and compute the average for each, then the values obtained from different samples should not differ much from each other. कि जैसे मैंने बताया ना कि 20 households का मैंने electricity consumption calculate करा, but क्या 20 थे in total या ज्यादा थे? Let us assume 2000 थे. तो कह रहा है कि अगर कोई और सेट ऑफ 20 चूज करोगे तो भी एवरेज आपकी मोर और लेस सेम आनी चाहिए. अगर सेम आ रही है डिफरेंट डिफरेंट सैंपल, कहीं और 20 ले लो, चलो 20 कहीं और सबकी सेम आ रही है एवरेज, तो दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग. सैंपलिंग फ्लक्चुएट हो रही है, एवरेज चेंज नहीं हो रही है ज्यादा. छोटा मोटा चलेगा, एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकती, बट कह रहे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. अगर नहीं है तो इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एवरेज. समझ आया? इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. यस सर. नेक्स्ट, केपेबल ऑफ फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट. तो जैसे डिफरेंट चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, उसके बेसिस पे डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कट ऑफ, it should be capable of further algebraic treatment. Average should be capable of further mathematical and statistical analysis to expand its utility. For example, if separate figures of average marks and number of students of two or more classes are given, then we should be able
टू कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज. एक क्लास की एवरेज है, इलेवेंथ के बच्चों की, एक ट्वेल्थ की बच्चों की एवरेज है, तो अगर मुझे स्कूल की कंबाइंड एवरेज निकालनी है 11 12th की, करें इट शुड बी पॉसिबल. तो इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट. इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. द वैल्यू ऑफ एन एवरेज शुड बी कंप्यूटेड बाई यूजिंग अ सिंपल मेथड विदाउट रिड्यूसिंग इट्स एक्यूरेसी एंड अदर एडवांटेजेस. Not affected much by extreme values. The value of an average should not be affected much by extreme values. If one or two very small or very large items unduly affect the average value may not truly represent characteristics of the entire set of data. Agar koi extreme value इंक्लूड करने की वजह से आपकी एवरेज ही चेंज हो जाए ड्रास्टिकली, कह रहे देन इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव फिगर. इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड. योर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ क्या रहे हैं, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ एवरेज मस्ट पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. It should not be affected much by extreme values. कोई एकदम से कोई बड़ी छोटी सी वैल्यू आ गई तो एवरेज ही ड्रास्टिकली गिर जाएगी. अगर गिर रही है तो फिर वो एक करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती एंटायर डेटा का. Should not be affected much by extreme values. क्या था ये, requisites of a measure of central tendency.